प्यारे बच्चों, वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। एवोगैड्रो नंबर होता है, इसको एन ए से लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। कि एक मोल में जितने पार्टिकल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर होता कितना है? 6.02 × 10³। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते कैसे हैं? ये फार्मूला है इसका, मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा वही चार फार्मूले जो हमने मोल वाले लेक्चर में पढ़े थे, वही सारे फार्मूले हैं। फर्क क्या है? यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है हर फार्मूले को, जो मोल का फार्मूला है। यानी सिंपली एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो अगर दो मोल में निकालने हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 मोल में निकालने हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आपके पास मोल आ जाए तो मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मोल को चार तरह से डिफाइन किया था, इसको भी चार तरह से डिफाइन करेंगे, और हर डेफिनेशन में थोड़ी थोड़ी चेंज है। जैसे यहां देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स की जगह एटम, मॉलिक्यूल, आयन, फार्मूला, यूनिट आ सकते हैं, और सब्सटेंस की जगह एलिमेंट आ सकता है। जैसे मोल में आया था, एलिमेंट है, कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है और आयनिक स्पीशी आ सकती है। देखिएगा पहले डेफिनेशन एलिमेंट के रेफरेंस से, नंबर ऑफ एटम्स, एटम आया है पार्टिकल की जगह, इन वन मोल ऑफ द एलिमेंट, और सब्सटेंस की जगह क्या आ गया? एलिमेंट। बाकी डेफिनेशन तो वही है, पार्टिकल की जगह एटम लगा दिया और यहां पर सब्सटेंस की जगह एलिमेंट लगा दिया। अब अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का वन मोल है, वन मोल में कितने एटम होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर? वन मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। इसी तरह वन मोल ऑफ कार्बन देखें, उसका मास कितना है? 12 ग्राम। 12 ग्राम है, एटम कितने होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर? तो एक मोल क्या है? एक मोल वो क्वांटिटी है जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। ये वन मोल है, वन मोल जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखें, दोनों के मैसेज डिफरेंट हैं, मैसेज डिफरेंट है। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1.008, और कार्बन का मास कितना है? 12। लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों का एक मोल बनता है जब हम मास ओवर मोलर मास करते हैं। फार्मूला, नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की बजाय क्या आ गया? एटम। मास ऑफ द एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास, ये मोल वाला फार्मूला है, इतना ये मोल ही है। यहां मोल भी लिख सकते हैं इसकी जगह, इनटू क्या आ जाएगा? एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह आप डेफिनेशन कर सकते हैं कंपाउंड के लिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा यहां पर, और यहां कंपाउंड आ जाएगा। पहली डेफिनेशन में पार्टिकल था, दूसरी में एटम आया, तीसरी में मॉलिक्यूल आ गया, और यहां पहली डेफिनेशन में सब्सटेंस था, दूसरी में एलिमेंट आया, अब कंपाउंड आ गया। एग्जांपल देख लेते हैं, वन मोल ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना होता है? 18। अगर ग्राम में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? मोल। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह वन मोल ऑफ CO2, CO2 में कार्बन का 12 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32, टोटल मास कितना बना? 44 ग्राम्स। और ये चूंकि एक मोल है, एक मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर? फार्मूला लिखना चाहे तो यहाँ मॉलिक्यूल का वर्ड आ जाएगा, बाकी फार्मूला वही है सारे का सारा। मास ऑफ द कंपाउंड ओवर मॉलिक्यूलर मास की बजाय क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ मोल लिखा जा सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, आयनिक कंपाउंड।
आयनिक कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट लिखेंगे इन वन मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड। पहली डेफिनेशन में फार्मूला यूनिट की बजाय क्या था, पहले डेफिनेशन में पार्टिकल थे, दूसरी में एटम थे, तीसरी में मॉलिक्यूल थे, चौथी में फार्मूला यूनिट आ गए। आयनिक कंपाउंड पहले क्या था, सब्सटेंस, फिर एलिमेंट आया, फिर कंपाउंड आया, अब आयनिक कंपाउंड आ गया। आयनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन 2 है क्योंकि ये OH होल ट्वाइस है, ऑक्सीजन का 32, 2 हाइड्रोजन का 2, सबको प्लस कर लें तो 74 ग्राम बनेगा, ग्राम बनेगा तो 1 मोल है, और 1 मोल में कितने फार्मूला यूनिट होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इसी तरह एक और एग्जांपल लें, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का 23 होता है, 2 सोडियम का 46, कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन का 48, सबको जमा करेंगे तो 106 बन जाएगा। अगर मैं ग्राम में लिखूंगा तो ये मोल बनेगा, और मोल में कितने फार्मूला यूनिट होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इसका फार्मूला भी वही है, मास ऑफ आयनिक कंपाउंड ओवर फार्मूला मास, ये क्या बन जाएगा, मोल, और मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से। चौथी डेफिनेशन में वही जैसे हमने पहले मोल में की है, आयंस के लिए है, यहाँ नंबर ऑफ आयंस आ गया और यहाँ आयनिक स्पीशी आ गया। पहले में यहाँ क्या था, पार्टिकल, फिर एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर फार्मूला यूनिट, फिर आयन। यहाँ पहले क्या था, पहले सब्सटेंस था, फिर एलिमेंट आया, फिर कंपाउंड आया, फिर आयनिक कंपाउंड आया, अब आयनिक स्पीशी आ गई। आयनिक स्पीशी आयनिक कंपाउंड का एक पार्ट होता है, जैसे देखिए सल्फेट, सल्फेट सल्फर का कितना है, 32, और 4 ऑक्सीजन का 64, जमा कर ले 96 बनेगा। अगर ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल, और 1 मोल में कितने आयंस होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इसी तरह हमारे पास है कार्बोनेट, कार्बन का 12 होता है, 3 ऑक्सीजन का 48, इसको प्लस करें आ गया 60, और अगर आप 60 ग्राम है तो मोल है, और मोल में कितने आयन होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। फार्मूला वैसा ही है, मास ऑफ द आयनिक स्पीशी ओवर आयनिक मास, ये आयन आ जाएंगे, इतना हिस्सा मोल भी है, इसको मोल लिखें और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, इस तरह आपने 4 डेफिनेशन करनी है, हर डेफिनेशन के लिए अलहदा एग्जाम्पल लिखनी है और अलहदा फार्मूला बनाना है, फिर आपको 4 के 4 नंबर मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कर लेते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, जब भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होगा उसमें पार्टिकल कितने आएंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। लेकिन अगर मेरे पास 1 की बजाय 2 मोल आ जाएं, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। अगर मेरे पास 1 की बजाय हाफ आ जाए, आधा, तो मैं इसको हाफ कर दूंगा, ये कितना बन जाएगा, 6.02 का हाफ कितना होगा, 3.01। और अगर हाफ का भी हाफ आ जाए, यानी 0.5 की बजाय 0.25 आ जाए, तो मैं हाफ के हाफ को फिर हाफ कर दूंगा, ये देखें ये इस तरह से आ जाएगा 1.5 × 10⁻²। तो इस तरह से ये ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको वैसे ही याद रख लेनी है कि 1 मोल में इतने होते हैं। जब भी पूछे 1 मोल में, आप कहेंगे 6.02 × 10⁻²। अगर वो कहता है बताएं आधे मोल में, तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप कहेंगे 3.01 × 10⁻², हाफ मोल में होते ही इतने हैं। इसी तरह अगर वो पूछे 0.25 मोल में, तो ये होते ही इतने हैं। ये ऐसी वैल्यूज हैं जो फिक्स है, इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, अगर कोई पूछे तो आपने डायरेक्ट आंसर बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, क्योंकि 1 मोल में पार्टिकल हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। अब अगर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में आप सल्फर देखें कितने हैं, तो देखें फार्मूले में कितने सल्फर हैं, एक ही है, तो इसका मतलब ये एक ही एवोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फर एटम है। एवोगैड्रो नंबर तो आना ही आना है, जितने सल्फर हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखें ऑक्सीजन निकालने हैं 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में, तो एवोगैड्रो नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन एटम। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल में हाइड्रोजन निकालने हैं, तो हाइड्रोजन 2 है, तो एवोगैड्रो नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से आप कैलकुलेशंस इस्तेमाल करेंगे इसको, एवोगैड्रो नंबर को। नेक्स्ट देखें, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 8 है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर,
क्या निकालना है? वाटर के मॉलिक्यूल निकालने हैं, किसमें? इन 10 ग्राम आइस। और क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। और क्या निकालना है? टोटल एटम। और क्या निकालना है? कवलेंट बॉन्ड। कितनी चीजें होगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3, टोटल एटम 4 और कवलेंट बॉन्ड 5। तो ये 5 चीजें हमने एक ही न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करनी है। आपके पास डेटा क्या है? आपके पास मैस ऑफ आइस है कितना? 10 ग्राम। आइस का मोलर मैस कितना होता है? ये हमारे पास आ जाएगा 18 ग्राम। अब यहां से मॉलिक्यूल निकालना तो मसला ही नहीं, क्यों? मैस भी है, मोलर मैस भी है। मैस ओवर मोलर मैस क्या कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। मैस कितना है? 10 ग्राम। मोलर मैस 18 है। इसको सॉल्व करें, मैस ओवर मोलर मैस कितना आता है? 0.55 आता है। और 0.55 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? एवोगैड्रो नंबर से। तो ये आ जाएगा 3.34 × 10⁰³। ये क्या है? ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपको मॉलिक्यूल पता चल गया तो आप एटम निकाल सकते हैं। वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। टोटल कितने हो गए? 3 H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो अगर आपने हाइड्रोजन निकालने हैं तो मसला ही कोई नहीं, आपको मॉलिक्यूल पता है एक में 2 होते हैं। तो अगर आपके पास 3.34 हो इंटू 10⁰³, इसमें मॉलिक्यूल एटम बताने किसके? हाइड्रोजन के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन के बताने, ऑक्सीजन तो होता ही एक है तो इसको ऐसे ही रख ले। टोटल बताने हैं, टोटल हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने बांड बताने हैं तो वाटर में 2 बांड होते हैं, ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन से एक एक बांड बना रहा होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिएगा आपके पास मॉलिक्यूल आगे हैं, हाइड्रोजन एटम निकालने हैं, कितने होते हैं वाटर में? 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर ऑक्सीजन निकालने हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि वाटर में एक ही ऑक्सीजन होता है। अगर आपने टोटल एटम निकालने हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों? वाटर में 3 एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर आपने टोटल बॉन्ड निकालने हैं, कवलेंट बॉन्ड, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि वाटर में 2 कवलेंट बॉन्ड होते हैं। इस तरह जब आपके पास मॉलिक्यूल आ गए हैं तो आपने चेक कर लेना एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 2, तो उसको मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे। ऑक्सीजन निकालने हैं तो ऑक्सीजन 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दे। टोटल एटम कितने हैं? 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दे। टोटल बांड कितने हैं? 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। एमसीक्यूज देखें। 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन ऑक्सीजन एटम। 1 मोल SO2 में ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इसका मतलब है एवोगैड्रो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, O2। तो इसका मतलब आंसर बन जाएगा B। एवोगैड्रो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल। मैंने अभी आपको बताया था आधे मोल में सोचना ही आपने कितने हैं, बिल्कुल सोचना नहीं है। बीटा आंसर बन जाएगा 3.01 × 10³। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर है, हाफ मोल में 3.01 × 10³ है, और हाफ का हाफ करेंगे तो यहाँ 1.5 आ जाएगा। इसलिए ये वैल्यूज आपने बगैर सोचे समझे याद ही रखनी है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम वाटर। 18 ग्राम वाटर, क्या ये वाटर का मोलर मैस है? अगर ये वाटर का मोलर मैस है तो ये एक मोल है, और एक मोल में पार्टिकल हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, ए आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एवोगैड्रो नंबर। देखें कितनी दफा आया हुआ है पास्ट पेपर में। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 24 ग्राम आइस। कैसे सॉल्व करेंगे? मैस ऑफ आइस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। 24 को 18 से डिवाइड कर देंगे। फिर 23 ग्राम सोडियम, 238 ग्राम यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। यस, क्यों? क्योंकि दोनों का 1 मोल है। 23 ग्राम सोडियम का 1 मोल होता है, 238 ग्राम यूरेनियम का भी 1 मोल होता है। 4. Prove that 1 mole of nitrogen, hydrogen and carbon dioxide contains equal number of particles. तो 1 mole की बात हो रही है। अगर 1 mole है तो साफ जाहिर है 1 mole में तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो सब में बराबर आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने जो क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज के, ये आपकी असाइनमेंट है। क्वेश्चन 9 का ए सी डी ई पार्ट करना है, 10 का
सी डी जी आई करना है, 13 का ए डी ई एफ जी एच और 15 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने कमेंट्स में हमारे LMS सिस्टम में बता देना है या मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मुझे बता देंगे कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसके लिए मैं इंशाल्लाह आपके लिए सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।